सकते हो कि 50,000 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। अपनी एमडी अपनी हठधर्मिता के कारण 50,000 किसान, गरीब किसान जो एक भी डिफॉल्टर नहीं है, उन पे बड़ा एक तरीके से अन्याय हो रहा है और किसान बड़े परेशान है। ऊपर से अकाल भी पड़ गया, ऊपर कोरोना की महामारी के कारण बड़े किसानों की दुर्दशा बहुत ही ख़राब है। इसलिए एमडी द्वारा अपनी पता नहीं क्यों अपनी निजी कुंठा निकाल रहे हैं बाड़मेर के किसानों पर। पता नहीं यहाँ के मंत्री महोदय द्वारा, यहाँ के एमएलए द्वारा और राजस्थान सरकार के मंत्री द्वारा भी इनको निर्देश दिए भी गए हैं, लेकिन फिर भी वो एक भी लोन नहीं कर रहे हैं, जिससे किसान बहुत प्रभावित हो रहे हैं। ये तानाशाही आप कह सकते हो। केंद्र के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री हरीश जी चौधरी साहब द्वारा भी, माननीय मेवाराम जी द्वारा भी और अमीर सिंह जी भाईल साहब द्वारा भी और काफ़ी किसानों द्वारा व्यक्तिगत उनसे मिलकर उनको कह दिया कि 50,000 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं, एक भी किसान डिफॉल्टर नहीं है। हमारे गांव में कम से कम 250 किसान ऐसे हैं जिनको लोन नहीं मिल रहा है, जिससे ऊपर से कोरोना की महामारी के कारण किसान न तो बेचारे बाहर जा पा रहे, ऊपर अकाल भी इस वर्ष काफ़ी क्षेत्रों में पड़ गया। इसलिए किसानों की दुर्दशा बहुत ही हालत ख़राब है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार और बाड़मेर के दोनों मंत्री महोदय और सभी विधायक महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों की तरफ भी देखें, ये किसानों की बहुत हालत ख़राब हो रही है। और कई जगह जो शेडिंग हुई है उसमें गलत डाटाबेस भी फीड कर दिया, जो किसान ई मित्र पर अभी भी चक्कर काट रहे हैं, जिसमें 5,000-5,000 रुपए ई मित्र वाले भी ले रहे हैं, जिससे देखिए ग्राम सेवा सहकारी समिति में खरीफ का भी लोन पहले से हुआ नहीं, उसके बाद रबी की लोग तरस रहे हैं, एक एक लोग वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद में रहा है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के मिनिस्टर है उदयलाल यादव, उन्होंने घोषणा की थी, घोषणा के बावजूद भी लोन वितरण नहीं हो रहा है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने खूब सारी घोषणाएं की थी, लेकिन रबी का पहले लोन मिलता था खरीब और रबी का लाख लाख रुपए, उसके बाद में अभी तक लोगों को 12,000 से 15,000, जैसे कि 100% में उनको 25% या 23% तक लोगों को लोन मिला है। देखिए डाटा 2018 के बाद में ये डाटा वाला मामला चल रहा है, इसके अंदर कुछ डाटा एक साल होता है, दो साल, अब तीन साल से लोगों को मिल नहीं रहा है। वो पोर्टल पे एंट्री की थी, उसमें क्या कि आपका माफीनामा हो गया है, माफीनामा होने के बाद में उसको डिफॉल्टर किसानों को मान रहे, चाहे उसका लाख रुपये डिफॉल्टर है उसको भी डिफॉल्टर मान रहे, चाहे 100 रुपया भी है ब्याज भी है उसको भी डिफॉल्टर मान रहे ये लोग। देखिए मैं एक बार एमडी साहब से मिला भी था, लेकिन एमडी साहब ने ये बोला कि हमारे पास बजट है नहीं, राजस्थान की गवर्नमेंट बजट देगी तो हम लोन वितरण कर पाएंगे, नहीं तो हमारे पास कोई पैसे। मुझे केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, इसमें जो बाड़मेर सीसीबी द्वारा खरीफ का जो लोन है वो 550 करोड़ रुपए के लक्ष्य आवंटित किए गए थे, जिसके विरुद्ध उन्होंने लगभग 589 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया, जिसमें 1,76,993 सदस्यों को उसका लाभ मिला। इसी तरीके से रबी फसल का जो लोन है उसका 222 करोड़ रुपए का लक्ष्य आवंटित किया है और आज दिनांक तक उन्होंने 197 करोड़ रुपए के लोन वितरित कर दिए हैं, जिसमें से 44,811 लोगों को, उनके सदस्यों को ये ऋण वितरण किया जा चुका है। शेष जो लोन है वो वैसे भी उसकी अवधि है 31/12 तक है। मुझे जो एमडीसीसी द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्धारित समय सीमा में वो संपूर्ण जो लोन है और हमेशा उसको वितरित कर देंगे, और हमेशा ये जो सीसी बैंक है ये लोन वितरण के मामले में राजस्थान में अव्वल रही है और उसी तरीके की जो परंपरा है उसका ये निश्चित रूप से निर्वहन करेंगे। सभी जो कृषक भाई पात्र हैं उनको निश्चित रूप से रबी फसल का जो लोन है वो प्राप्त होगा, ऐसी उम्मीद और संभावना है। ये वो ये कि जो है वो उनका जो स्टाफ है वो दिन प्रतिदिन इसमें कार्य कर रहा है, लेकिन जो राज्य सरकार ने जो एक लक्ष्य दिया है उन लक्ष्यों के अनुरूप निश्चित रूप से वो इस टारगेट को हासिल कर रहे हैं। इस प्रकार की कोई तकनीक बाधा तो नहीं बताई है, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्टाफ है वो उसको इस कार्य के लिए उन्होंने युद्ध स्तर पर डेप्यूट कर रखा है और ये कार्य हम समय सीमा पूर्ण कराएंगे।